शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल में अभी तक नहीं डाला गया। काबीना डिवीजन से समरी वापस नहीं आई, पीर या मंगल को आ सकती है। वजारत कानून और दाखला फैसला कानून और आइन के मुताबिक करेगी। वफाकी वजीर दाखला शेख रशीद अहमद का वीडियो बयान, बोले कि ये ऐसा केस है जिसमें 14 मुलजिम पहले ही ईसीएल में है। शरीफ फैमिली के 5 मुलजिम अभी तक मफरूर हैं। शहबाज शरीफ के बारे में मीडिया में शोर बरपा है। अभी तक शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल में नहीं डाला गया क्योंकि समरी जो है वो वापस नहीं आई कैबिनेट डिवीजन से। ये सोमवार को आ सकती है और मंगल को आ सकती है। ये एक ऐसा केस है जिसमें 14 मुलजम पहले ही ईसीएल पे हैं और उनके खानदान के इस केस में 5 मुलजम जो हैं वो मफरूर हैं और वो खुद गारंटर हैं नवाज शरीफ के, और वो कोई और हमारे पास भी उनकी कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई। और जब कैबिनेट की समरी आती है वापस, उसके बाद लॉ मिनिस्ट्री यानी लॉ मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्ट्री और इंटीरियर मिनिस्टर दोनों मिलकर फैसला करते हैं। सो अभी तक आपको सोमवार मंगल को इंतजार करना होगा। उम्मीद है कि सोमवार मंगल तक ये समरी आ जाएगी और वही करेगी फैसला जो कानूनी आईनी और आर्टिकल 25 के मुताबिक होगा।